मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल पाकिस्तानी टीम में वापसी, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने। चलिए डिस्कस करते हैं। उमर अकमल कैन आल्सो बी सिलेक्टेड, हिज केस एंड पनिशमेंट इज नाउ आउट ऑफ द वे एज वेल एज फार एज फाइन इज कंसर्न। इफ उमर कैन नॉट पे आई आस्क द पीसीबी टू डिडक्ट द फाइन फ्रॉम माई पीएसएल रिटेनर्स। यानी उमर अकमल अब सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनका केस और पनिशमेंट उनकी ख़त्म हो चुकी है, और अगर फ़ाइन का इशू है क्योंकि वो फ़ाइन नहीं दे सकते, 4.6 मिलियन है और उमर अकमल के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो दे सकें। तो कमरान अकमल ने कहा कि पीसीबी को मैं पैसे दे दूंगा क्योंकि 4.6 मिलियन अप्रोक्सीमेटली इन्होंने जमा कराने हैं, और अगर ये जमा नहीं कराएंगे तो इनकी जो पाकिस्तानी टीम में वापसी है वो इम्पॉसिबल है। यानी उमर अकमल जब तक फ़ाइन जमा नहीं कराएंगे तब तक पाकिस्तानी टीम में कम बैक नहीं कर सकते। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जितना ज़्यादा टैलेंटेड उमर अकमल है और पाकिस्तान मिडल ऑर्डर को इनकी ज़रूरत भी है। आपने बहुत से ऐसे ट्राई किए मिडल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन जो कि हिट ना हो सके, ये नेचुरली टैलेंटेड हैं। अगर इनके टैलेंट की बात की जाए तो शायद ही इनसे ज़्यादा कोई टैलेंटेड हो जो कि पाकिस्तान टीम के अंदर टी20s के अंदर मिडल ऑर्डर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हो। मगर अब एक इनके लिए प्रॉब्लम है कि अब इनको रीहैब करना है, और रीहैब से पहले इनको ये जो जमा कराना है फ़ाइन वो इनके पास नहीं है, और पीसीबी ने कहा है कि जब तक आप फ़ाइन नहीं जमा कराएंगे तब तक आप नहीं खेल सकते। अच्छा, एग्जैक्ट जो है वो 4.25 मिलियन है ये इन्होंने जमा कराने हैं, सो इसके बगैर इनका कमबैक नहीं होगा। चूँकि कमरान अकमल ने कह दिया कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ उमर अकमल की वापसी करा दें आप। और उमर अकमल के हवाले से अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं है। सो अब अच्छी चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कि अगर ये अब हिट हो जाते हैं, अगर ये फिट हो जाते हैं, अगर ये दोबारा खेलने के लिए 100% रेडी हैं मेंटली और फिज़िकली, तो काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए कि ये पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगले दो तीन साल बड़े इवेंट्स हैं, दो T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है। सो ये पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर जो कमज़ोर है उसको मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के अंदर बताइएगा क्या उमर अकमल को वापसी करनी चाहिए, उमर अकमल कमबैक ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।